मानसून सीज़न है, मानसून में हमारा इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है, तो ये वायरल डिजीज़ बढ़ते ही हैं। वायरल डिजीज़ डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, टाइफाइड। डेंगू तो मॉस्किटो से फैलता है, जैसे मैंने बताया पहले भी। तो जहाँ पर भी स्टैगनेंट वाटर है, आप घर के पास देखिए, स्टैगनेंट वाटर को तैयार मत होने दीजिए। जहाँ पर भी स्टैगनेंट वाटर है उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हमारे बेसिकली कूलर्स उसको एम्प्टी कर दीजिए, या फिर उसका पानी चेंज करते रहिए। बिकॉज़ ये जो मॉस्किटोज़ है ये वहीं पे ब्रीड होंगे और यही कैरी करेंगे आपका डेंगू वायरस, जो आपको इन्फेक्ट करेंगे। डेंगू वायरस फैलता तो ब्लड से ही है, मॉस्किटो बाइट करेगा और वायरस लेगा, दूसरे पेशेंट में पहुंचा देगा। मैक्सिमम आर सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन जिसमें भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो कुछ कुछ पेशेंट्स डेंजरस भी हो रहे हैं। इसमें मेन ट्रीटमेंट एंटीवायरल तो कुछ है नहीं डेंगू में, आपको करना क्या है, आपको पेशेंस रखना है, रिलैक्स रहना सबसे पहले, हाइड्रेशन हाइड्रेशन हाइड्रेशन। डेंगू में एक ही ट्रीटमेंट जो कारगर है वो हाइड्रेशन, हाइड्रेशन और फूड्स, आपका इंटेक। जितना आपका अच्छा हाइड्रेशन होगा, जितना आपका फूड इंटेक अच्छा होगा, आपकी रिकवरी बहुत बहुत अच्छी होगी। प्लेटलेट्स जो डेंगू में गिरते हैं, जो पेशेंट वरीसम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्लेटलेट, आप डरना नहीं है। प्लेटलेट्स जो गिरना जो है ये बॉडी का रिस्पॉन्स है अगेंस्ट डेंगू रिस्पॉन्स में। ये प्लेटलेट पहले गिरते ही हैं, एक लेवल तक गिरेंगे फिर अपने आप बढ़ जाएंगे। डेफिनेटली अगर वो कुछ थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस करते हैं, 25,000 या 20,000, देन परफेक्टली हम प्लेटलेट बैग लगाते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके आप अपना हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, फूड इंटेक पे ध्यान दीजिए, मैक्सिमम रेस्ट पे ध्यान दीजिए। इसी से ही डेंगू जल्दी क्योर होगा और आपके प्लेटलेट जल्दी रिकवर होंगे।